बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहारनपुर के देवबंद में दो दिन तक चला जमीयत उलमाए हिंद का अधिवेशन खत्म हो गया, लेकिन इस अधिवेशन से एक नए विवाद की शुरुआत हो गई है। और विवाद ये कि तूफान जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयानों और अधिवेशन में पास हुए प्रस्ताव से खड़ा हुआ है। देखिए आप, देवबंद के नए भड़काऊ भाईजान मौलाना मदनी का जहरीला ज्ञान। अगर ऐसी बात का कहते हैं ना, पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के लिए। मौलाना मदनी कुछ भी बताएंगे, देश के मुसलमान भड़क जाएंगे। हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे, हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे, तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो। जमीयत के मंच से खुली धमकी, मौलाना मदनी की कानून को चुनौती। तुम्हारे कानून के हिसाब से हम तलाक नहीं दे सकते, शरीयत के हिसाब से हम जैसे दे सकते हैं सही करके वो हम देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मंजूर, संविधान से ऊपर हो रहे हुजूर। कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। मथुरा काशी पर मौलाना की तकरीर, कोर्ट के फैसले पर विरोध की लकीर। मौलाना साहब को कौन डरा रहा, पाकिस्तान जाने को कौन उकसा रहा। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। मौलाना ने क्यों उठाया मजहबी मुद्दा, मदनी को क्यों चुभी देश की अखंडता। हमें मालूम है कि हम अगर मुल्क की बात करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है, अगर वो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र की एकता की और अखंडता की, तो वो तो है राष्ट्र धर्म। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, तो वो है हमारा पंथ। क्या डर में जी रहा देश का मुसलमान, मदनी को नहीं कोर्ट कानून का ज्ञान। मौलाना मदनी का नफरती नंबर गेम, हिंदुस्तान को बांटने का फ्लेम गेम। वो वजह है उसकी खास के एक खास ज़हनियत बनाई जा रही है, हमारे वजूद पर सवाल है। मुश्किल ये है कि हमारे हजरत फरमाया करते थे हम सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, दूसरी बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं है तो हम अकलियत हैं, टेक्निकल रीजन से मानना पड़ता है, हम अकलियत अकलियत नहीं है, हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। अगर तादाद के लिहाज से देखें, सिर्फ मुसलमानों को अगर माने, और हम ख्याल लोग, हम ख्याल हिंदुस्तानियों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो हम आज अक्सरियत में हैं, और नफरत के सौदागर आज भी अकलियत में हैं, माइनॉरिटी। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास हुए, इनमें से कई प्रस्ताव किसी भड़काऊ प्लान से भी कम नहीं थे। मथुरा काशी विवाद से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड तक अधिवेशन में सब पर जमकर बयानबाजी हुई। प्रस्तावों की आड़ में देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश किस तरीके से की गई, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। शरीयत को मजबूती से पकड़ना है, इस्लाम पर अमल करने का अज़्म कर लेंगे तो फिर इस्लाम को क्या, फिर कौन इस्लाम का कुछ बिगाड़ सके। 48 घंटे देवबंद की धरती पर जमीयत का मंथन हुआ, हिंदुस्तान की बात हुई, संविधान की बात हुई, मजहब की बात हुई, मुसलमान की बात हुई, मंदिर की बात हुई, मस्जिद की बात हुई, डर है भेदभाव की बात हुई, नफरत की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात हुई,
जमियत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने तमाम तकरीरें रखी। शुरुआत में मदनी के मुंह से प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के बोल निकले। मुल्क हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाल्लाह। बाद में बोलते बोलते मदनी भटक गए और हिंदू मुसलमान करते हुए भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए। मुसलमान को भड़काने जैसे नफरती बोल बोलते नजर आए। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। दो दिन के इस अधिवेशन में जमीयत ने कई प्रस्ताव पास किए। ये जमीयत के प्रस्ताव कम और धमकियां ज्यादा लगती हैं। अब एक एक कर हम आपको जमीयत के इन प्रस्तावों के पीछे छिपी नफरती सोच की हकीकत डिकोड करके दिखाते हैं। ज्ञानव्यापी हो या मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, दोनों को लेकर इस वक्त विवाद है, लेकिन दोनों ही मामले में संविधान और कानून की धाराओं के तहत सुनवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से देवबंद में अपने अधिवेशन में जमीयत ने यह साफ साफ कह दिया कि इन मामलों में मुकदमों की सुनवाई को भी वो स्वीकार नहीं करेगा, वो ये दिखाता है कि जमीयत को देश के कानून में भरोसा बहुत ही थोड़ा है।